हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो एडोब प्रीमियम प्रो में जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा कैसे करें। बहुत सारे यूट्यूबर या वीडियो एडिटिंग में आपको ये तकलीफ़ होती है, आपको अगर कोई लिरिक्स डालनी है, कोई सॉन्ग डालना है, तो उसका वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा कैसे करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डिफ़ॉल्ट जो उसका लिरिक्स या ऑडियो रहेगा उसमें डिफ़ॉल्ट जो रहेगा जो ओरिजिनल वॉल्यूम पर रहेगा, जैसे ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, इस पे देखिए, तो आप देख सकते हो कि इसमें मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बैकग्राउंड जो लिरिक्स चल रहा है उसकी फुल आवाज़ आ रही है। तो इसको क्या करना है, मुझे वॉल्यूम को सेट करना है एज पर जो मेरे कन्वीनियंट हो या जिसमें से मेरी भी आवाज़ आए और बैकग्राउंड में थोड़ा सूदिंग साउंड भी चलता रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऑडियो सेटिंग में, इसके लिए राइट क्लिक करना है आपको। ये देखिए, मैं वापस से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आके ऑडियो गेन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो गेन में और यहाँ पे सेट करना है एज़ पर योर नीड। मीन्स जितना भी साउंड आपको चाहिए बैकग्राउंड में उतना आप सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे जो सेट होगा वो साउंड है 28 माइनस 28 मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब देखते हैं कैसा आ रहा है साउंड। तो ये परफेक्ट है, यानी यहाँ पे मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है और बैकग्राउंड का जो लिरिक्स है, जो साउंड है, वो भी क्लियर आ रहा है। तो इट इज़ द परफेक्ट। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे था। अगर किसी को डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ से आपको जस्ट ये वीडियो जो आपने बनाई है यहाँ से सेव करनी है, ये डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट करके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।